Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Stylers SolidWorks Tutorial Series. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग टूल्स के बारे में, ठीक है? So न्यू पे जाते हैं और पार्ट मॉडलिंग ऑन करते हैं, और इसके साथ ही मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता रखी थी, तो हम स्टार्ट करेंगे प्लेन से, ठीक है? तो हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केचिंग ऑन कर देते हैं, तो हमारा स्केचिंग जो है ऑन हो जाएगी। सो इसके साथ ही हमारे पास काफी सारे स्केचिंग टूल्स हैं, वन बाय वन सभी को करेंगे हम। लाइक हमारे पास सबसे पहले है लाइन, तो सिंपल लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो सिंपल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगर सिंगल एंटिटी को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएगी, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ओके? और नेक्स्ट है आपके पास सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन किस तरह से है, आपने अगर कंस्ट्रक्टेड लाइन लगानी है तो उसके लिए आप सेंटर लाइन यूज करोगे, ओके? इसके बाद आती है आपके पास मिड पॉइंट लाइन। सो मिड पॉइंट लाइन क्या है, आपके पास एक मिड पॉइंट होगा और जो भी आप लाइन सिलेक्ट करोगे वो सेंटर से इंक्रीज हो जाएगी दोनों तरफ, ठीक है? तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। देखो, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि लाइन प्रॉपर्टी से आप इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, कंस्ट्रक्टेड करना है, इनफाइनाइट करना है, तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज यहां पे भी आ जाएगी, आप इसको यहां से हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो। तो अगर जब भी ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा तो आपके पास एरर आ जाएंगे, ठीक है? तो उस एरर को आपने डिलीट करना है और इसको सही करना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपके पास आ रहा है टू पॉइंट रेक्टेंगल आ रहा है, आप चाहे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रेक्टेंगल बना ले, चाहे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रेक्टेंगल बना ले, एक ही बात है, ठीक है? इसकी आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। कैसे, स्मार्ट डायमेंशन में चले जाएंगे। लाइक मैं रेक्टेंगल की ये वाली डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये डायमेंशन चेंज कर देता हूँ, मुझे चाहिए 45, एंटर किया तो 45 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसको भी मैं अगर 45 बनाना चाहता हूँ तो मैं 45 सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे पास इक्वल डायमेंशन हो जाएगी, ओके? इसके बाद सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो डायमेंशन आप किसी की भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन। तो स्मार्ट डायमेंशन में आपके पास ये सारी जो डायमेंशन है अवेलेबल रहेंगी, आप स्मार्ट डायमेंशन से हर एक डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, ओके? इसके बाद आपके पास आ जाता है थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट आपने सिलेक्ट किया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये पॉइंट सिलेक्ट किए, आपका रेक्टेंगल बन गया। और अगर आप इन दोनों के बीच में एंगल भी चेंज करना चाहते हो तो एंगल भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम, ठीक है? पैरेललोग्राम आपने स्कूल टाइम्स में पढ़ा हुआ है, तो इसको जिस जहां पे भी आप मूव करते जाएंगे वहां वहां ये उसी शेप में पैरेललोग्राम बनता जाएगा, ओके? सो आप इसकी अगर डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं तो आप डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। लाइक देखिए, ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, ये वर्टिकल आ रही है, तो ये आ रही है पैरेलल, तो इस तरह से इंक्लाइंड आप इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं यहाँ पर 20 वैल्यू देना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एंगल चेंज करना चाहते हैं आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे रेफरेंस के लिए और इन दोनों के बीच में एंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप एंगल भी एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 44 आ रहा है, मुझे चाहिए 30 डिग्री एंगल, तो ये इस तरह से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक बड़ा यूजफुल स्केचिंग टूल है स्लॉट। अगर आप इसको ऑटोकैड में बनाना चाहें तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्लॉट देख लीजिए किस तरह से आ रहा है, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। तो अगर आपको किसी ड्राफ्टिंग जैसे ऑटोकैड में अगर बनाना पड़े तो पहले एक लाइन लोगे, सर्कल लगाओगे, दोनों सर्कल लगाओगे और ज्वाइन करोगे, फिर ट्रिम करोगे। तो एक स्लॉट बनाने के लिए आपको काफी सारी कमांड्स यूज करनी पड़ी हैं, तो सॉलिड वर्क्स ने ये आपको इजी टूल यहीं पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो स्लॉट्स भी काफी तरह के हैं आपके पास, एंड टू एंड है, सेंटर से लेकर एंड तक आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप रेडियस और डायल लेके चलते हैं सर्कल में, उसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। इसकी डायमेंशन अगर आप चेंज करना चाहते हो डायमेंशन चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे 4 आ रहा है, मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, तो इस तरह से इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। और इसके बाद आपके पास आर्क, थ्री पॉइंट आर्क वाला स्लॉट आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
आप ये ऐप सिलेक्ट करिए और इसके साथ ही आपके पास ये भी स्लॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला स्लॉट भी इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट आपके पास सर्कल कमांड है, तो सर्कल तो सिंपल सभी यूज कर लेते हैं, तो सिंपल इस तरह से यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा पैरामेट्रिक सर्कल। पैरामेट्रिक सर्कल मतलब 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट ये सिलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट सर्कल लगा सकते हैं, इसे पैरामेट्रिक सर्कल बोलते हैं। ओके, ऑटोकैड में से 3 पॉइंट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आर्क। आपने सिलेक्ट किया सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क कैसी होती है, जैसे हम स्कूल टाइम्स में कंपास यूज करते थे, उसी तरह से ये आर्क यूज होगी आपकी। जैसे ये देखिए, मैंने सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जहां तक मैं कंपास यूज करूंगा, यहाँ जहां तक मैं कंपास घुमाऊंगा वहां तक मेरी आर्क लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आर्क आपकी लग जाएगी। नेक्स्ट आपके पास टेंजेंट आर्क आ रही है। आपको एक पॉइंट चाहिए टेंजेंट, और जहां पे भी आर्क लगाना चाहते हैं वहां वहां टेंजेंट होती जाएगी, तो कॉन्टिन्यूस आर्क रहेगी विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। सो ये आपकी कॉन्टिन्यूस आर्क रहेगी टेंजेंसी के साथ। और इसके साथ आपके पास आ रहा है 3 पॉइंट आर्क। बड़ी सिंपल आर्क है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। डायरेक्शन आप कोई भी चूज कर सकते हो, लाइक मैंने दोबारा सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्शन ये ली थी और सेकंड टाइम मैं डायरेक्शन ये ले सकता हूँ। तो जिस भी डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे वहां पे आपकी आर्क बन जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे को दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन ऐड करना हो, सिंगल एंटिटी भी मैंने देखा था कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके मैं रिलेशंस ऐड कर सकता हूँ, बट अगर मुझे किसी भी दो एंटिटी के बीच में रिलेशन ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, या फिर मेरे पास एक आर्क है, और एक मैं सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाला। तो मेरे पास एक सर्कल आ गया और एक मेरे पास ये आर्क आ गया। अब दोनों के बीच में रिलेशन ऐड करना है, क्या रिलेशन ऐड करना है, मुझे टेंजेंसी क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, सिलेक्ट बोथ द एंटिटीज, और आप देख सकते हो लाइन प्रॉपर्टीज में काफी सारे ऐड रिलेशन की ऑप्शन आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेंजेंसी ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए, आप जो सर्कल है आर्क के साथ टेंजेंट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेशन ऐड कर सकते हैं। और इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, लाइक मेरे पास ये आर्क है, ठीक है, तो इसके दो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं दोनों एंड पॉइंट को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूं, और आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आ जाएगी क्या रिलेशन ऐड करना चाहते हो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो आप देख सकते हो ये एक ही प्लेन पे आ गए। ओके, सो इस तरह से आप रिलेशंस ऐड कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस के लिए। और जिन दो एंटिटीज के बीच में आपने रिलेशन ऐड करना है, उन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, और उनके बीच में जो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से जो भी आपने रिलेशन ऐड करना है वो आप रिलेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आता है पॉलीगन। सो पॉलीगन में फ्रेंड्स क्या है, जैसे ऑटोकैड में हम क्या करते थे कि यहाँ पे हमें पहले से ही सारी चीजें फिल करनी है, तो इसमें भी सेम इसी तरह से ही है, सारी चीजें आप पहले से ही फिल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 8 इसकी साइड्स चाहिए, तो यहाँ पे 8 साइड्स आ गई है मेरे पास। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल चाहिए या फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल चाहिए, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर क्या था, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल था और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल था, बट इसमें क्या है, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मीन्स ये उल्टा है ऑटोकैड से, ठीक है। देख लीजिए जहां से मुझे स्टार्ट करना है, इसने 00 एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट की हुई है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू शो कर रहा है और वाई की वैल्यू शो कर रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सो मैं इसको पुट करके देखता हूँ, जैसे मैंने इसको कहीं और से सेट किया, वैसे तो उसने वहां से पिक किया हुआ था ओरिजिन 00, बट यहाँ पे जैसे मैंने आउटसाइड क्लिक किया तो उसने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको बना दूंगा, इसे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद इसमें डायमेंशन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ओरिजिन यहाँ पे था, लेफ्ट साइड बनाया तो इसके माइनस में एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसमें आप इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसका रेडियस 100 देना है तो इसका रेडियस आप 100 दे सकते हैं। और ये एंगल कौन सा आ रहा है, ये जो आपके पास सेंटर पॉइंट आ रहा है और ये जो इसका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, देख सकते हैं आप ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इसी तरह से इसको एंगल को आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं, लाइक आपने 60 डिग्री दे दिया तो ये जो एंगल है 60 डिग्री पे मूव कर जाएगा।
ठीक है। सो अब यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। अगर आप ऑटोकैड यूज करते हैं, आप देखेंगे ऑटोकैड के अंदर कि जब हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करते हैं तो जो पॉलीगन होता है हमारा वो सर्कल के अंदर आता है। यहाँ पे क्या है, सर्कल पॉलीगन के अंदर है, ठीक है। अगर हम सर्कमस्क्राइब्ड करें, जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, बल्कि ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल के अंदर जो पॉलीगन है हमारा सर्कल के बाहर आता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था, उसमें कमांड भी अलग है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, बट इसमें क्या है, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इसमें इन और अबाउट नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास आया था स्प्लाइन कमांड, तो ऑटोकैड में भी सेम इसी तरह से यूज होता है और सॉलिड वर्क्स में भी इसी तरह से यूज होता है। तो इसके जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक जो कंट्रोल पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो एक कंट्रोल पॉइंट जो ये वाला आ रहा है, इसकी लेंथ चेंज करने के लिए होता है और इसकी शेप चेंज करने के लिए होता है। यहां से क्या होगा, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल भी मूव कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, 27-32 जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं और यहां से इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास आती है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन क्या होती है, ये देखिए इस तरह से आपके पास स्प्लाइन आ रही है। तो आपके पास जैसे इस तरह इसमें कंट्रोल वर्टिसेस वैसे नहीं दिखाई दे रहे थे, जैसे आपने इसे क्लिक किया तो कंट्रोल वर्टिसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स साथ ही इसके दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पिक करके मूव करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप एक परफेक्ट कर्व बनाना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं तो स्प्लाइन फिट आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, स्टाइल स्प्लाइन। ऑटोकैड के अंदर इसको कहते हैं स्प्लाइन फिट और यहाँ पे इस कमांड का नेम क्या है, स्टाइल स्प्लाइन, ओके। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ड्रिवन कर्व, तो इसको आपने छोड़ देना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपके पास अवेलेबल रहेंगी तो आप इसको सिलेक्ट करके हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस फिल करके कर्व बना सकते हैं, बट अभी हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आया था एलिप्स। एलिप्स कैसे यूज करते हैं, सिंपल वैसे ही है, जैसे मर्जी ड्रॉ कर दीजिए और बाद में इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं। मैंने रफली ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने अगर कुछ चेंजेस करने तो स्मार्ट डायमेंशन में चले जाऊंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये थोड़ा सा एंगल पे है, मुझे इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे वर्ड हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा स्ट्रेट हो गया। अभी मैं इसकी कोई भी डायमेंशन लूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आई है, मैंने इसकी वैल्यू ले ली 100। और नेक्स्ट अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, लाइक मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एलिप्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी एलिप्स भी हैं। पार्शियल एलिप्स चाहिए आपको, फर्स्ट सेकेंड, और ये देखिए इस तरह से आपके पास पार्शियल एलिप्स आ जाएगा, जहां से आपने स्टार्ट करना है। पैराबोला आ जाएगा, इस तरह से आप पैराबोला यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जहां से आपने स्टार्ट करना और जहां पे आपने खत्म करना, तो इस तरह से पैराबोला यूज हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जो स्केच एंटिटीज है वो यहाँ पे अब एंगल पे मूव कर गया, मेरा जो प्लेन है वो मूव कर गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम नॉर्मल कर देंगे तो आपका जो प्लेन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कॉनिक आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, अगेन सेकंड पॉइंट, और इसको जहां पे भी आप सेट करना चाहते हैं, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये सिलेक्ट कर दीजिए और आपके पास कॉनिक कर्व भी बन जाएगा, ओके। सो इसी के साथ हम फिलेट भी यूज कर लेते हैं। तो फिलेट जैसे हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसी में यूज करेंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैंने अभी कॉर्नर सिलेक्ट किया तो ये फिलेट शो कर रहा है मुझे। आप यहाँ पे दोनों साइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉर्नर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों तरह से फिलेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे 20 वैल्यू चाहिए तो मैं 20 वैल्यू रख लेता हूँ, और मुझे अगर वैल्यू कम ज्यादा करनी है तो मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है।
इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चैम्फर। सो चैम्फर किस तरह से यूज करनी है, लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए तीन ऑप्शन आ रही हैं। एंगल डिस्टेंस, सो एंगल डिस्टेंस में क्या होता है, आपके पास एक 45 डिग्री का एंगल है और एक डिस्टेंस दे रखा है 10 mm का, तो डिस्टेंस आप चूज कर सकते हैं और एंगल भी अलग से चूज कर सकते हैं। लाइक मैंने 50 डिग्री का एंगल दे दिया, तो अगर मैं कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा तो ये विद एंगल और साइड की डायमेंशन, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी चैम्फर क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसी के साथ आपके पास डिस्टेंस डिस्टेंस आ रहा है, आप दोनों डिस्टेंस अलग अलग रख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 15 दे दिया, तो मैं कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं एक साइड इसकी 15 है और एक साइड इसकी 10 है, ठीक है। अगर आप इसके इक्वल डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं, मैंने कॉर्नर, या फिर मैं इसकी दोनों साइड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा चैम्फर है यहाँ पे भी कम्प्लीट हो गया। अंडू कर सकते हैं, तो अंडू से क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। तो इसे दोबारा सिलेक्ट करके आप डायमेंशन चेंज करके, या अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, तो अंडू करके आप दोबारा इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चैम्फर कमांड यूज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आपने ट्रिम करना है, ट्रिम में आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक पावर ट्रिम आ रहा है, कॉर्नर ट्रिम आ रहा है, ट्रिम अवे इनसाइड आ रहा है, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू द क्लोजेस्ट। सो अभी हम यहाँ पे सिर्फ कौन सी यूज करेंगे, पावर ट्रिम यूज करेंगे। सो ऑलमोस्ट आपके पावर ट्रिम में सारे टास्क कम्प्लीट हो जाएंगे। और पावर ट्रिम को यूज किस तरह से करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और आपने जिस जिस एंटिटी को ट्रिम करना है उस एंटिटी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाइए और ये आपकी एंटिटी जो है वो ट्रिम होती जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी कमांड है ये, ठीक है। ये देखिए अगर मैसेज कोई आ रहा है तो उसे आप, ठीक है, इस तरह से आपके पास ये ट्रिम कमांड यूज होगी। नेक्स्ट अगर आप किसी चीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे पास लाइन आ रही है तो मैं इसे अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जहां तक इसे टारगेट मिलता जाएगा ये एक्सटेंड होता जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसके बाद इसे टारगेट मिलना बंद हो गया, अब ये एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिम और एक्सटेंड कमांड दोनों को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कन्वर्ट एंटिटीज, ये जो है आपका पार्ट 3D का पार्ट है। जब हम 3D करेंगे स्टार्ट तो वहां पे ये कमांड यूज होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑफसेट, सिंपल ऑफसेट है, पर ऑफसेट में भी काफी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। लाइक मुझे 10 mm ऑफसेट करना है तो मैं इस कर्व को ऑफसेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसे अगर मुझे रिवर्स साइड करना है तो मैं रिवर्स साइड कर सकता हूँ, अगर मुझे इस डायरेक्शन में रखना है तो इस डायरेक्शन में रख सकता हूँ, बाय डायरेक्शनल करना है तो दोनों डायरेक्शन में कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कैप को अगर एंड करना चाहता हूँ तो ये जो दोनों डायरेक्शन में ऑफसेट हुआ, अगर इसके थ्रू मुझे एंड करना है कैप को तो मैं कैप को एंड भी कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ लाइंस और विद द हेल्प ऑफ आर्क्स, मैं दोनों तरफ से इसको कैप को एंड कर सकता हूँ। और अगर बेस को आपने ज्योमेट्री रखना है, इट मींस कंस्ट्रक्टेड रखना है, तो आप उसे भी कंस्ट्रक्टेड रख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से भी जैसे आपने यहाँ पे स्लॉट देखा था तो इस तरह से भी आप स्लॉट बना सकते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है आपके पास, ऑफसेट में एक कमांड और है, लाइक आपने यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बाई डायरेक्शनल ऑन है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, मुझे एक ही साइड चाहिए। और मुझे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास आ रही है, सिलेक्ट चेन, ठीक है। तो सिलेक्ट चेन, अगर आप सिलेक्ट चेन, तो अगर आप सिलेक्ट चेन ऑफ कर दोगे तो जिस भी आपने एंटिटी को सिलेक्ट किया होगा वही एंटिटी आपकी ऑफसेट होगी। अगर आप सिलेक्ट चेन ऑन कर देंगे तो उसके साथ जो भी ज्वाइन स्केचेस होंगे वो सारे के सारे ऑफसेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ऑफसेट कमांड यूज होती है। और इसके बाद फ्रेंड्स, मिरर कमांड यूज करना चाहते हैं, मिरर कमांड भी यूज कर सकते हैं। आपको किस एंटिटी को मिरर करना है यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद पूछ रहे हैं मिरर अबाउट, किसके अबाउट करना चाहते हो। तो मेरे पास अभी कोई लाइन आ नहीं रही है, सो लाइक मैं मान लीजिए इस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे मिरर यूज कर सकते हैं, लीनियर स्केच पैटर्न यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप मूव एंटिटी, कॉपी और रोटेट, स्केल,
स्ट्रेच एंटिटीज, आप ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, मिरर हमने देख लिया, लीनियर पैटर्न देख लेते हैं और सर्कुलर पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कुलर पैटर्न यूज कर लेता हूँ। लाइक मैंने एक सर्कल बनाया, इसी के साथ मैंने एक सर्कल और बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सर्कुलर पैटर्न यूज हो रहा है और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे ओरिजिन पिक कर लिया है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, क्लियर सेक्शन और डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास, तो आप क्लियर या डिलीट दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और आपने क्या सेंटर पिक करना है, ये वाला सेंटर पॉइंट पिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो आपका पैटर्न है इस सर्कल के अराउंड बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप एंटिटीज चेंज करना चाहते हैं तो एंटिटीज चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 6 देना चाहता हूँ तो 6 एंटिटीज आ जाएंगी आपके पास। तो इस तरह से आप इसे स्केच पैटर्न को यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, तो मैंने एक सर्कल लगाया, लीनियर पैटर्न भी इसी तरह से यूज हो जाएगा। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न, किसको पैटर्न करना है आपने, इसको पैटर्न करना है। और क्या डिस्टेंस रखना चाहते हो आप, यहाँ पे 50 का डिस्टेंस रखना चाहते हो। ठीक है, 50 का डिस्टेंस रखना चाहते हो। एंटिटीज कितनी रखना चाहते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे 10 एंटिटीज रखना चाहता हूँ। वाई डायरेक्शन में कितनी एंटिटीज रखना चाहता हूँ, वाई डायरेक्शन में भी 10 रखना चाहता हूँ। और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मेरा 100 होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये देखिए, और अगर मैं यहाँ पे भी डिस्टेंस चेंज कर दूं तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वे है, डायरेक्शन की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, आप रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। वाई की डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हैं वो भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो आपका ये भी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मूव एंटिटी करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं। लाइक मैं इस सर्कल को मूव करना चाहता हूं तो ये मेरी मूव हो जाएगी। स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, यही पॉइंट है, और कहां से रोटेट करना है ये देखिए, कहीं पे भी आप इसे मूव कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा कॉपी एंटिटीज। लाइक इसी को मैं कॉपी करना चाहता हूं और कहां से करना चाहता हूं, फ्रॉम टू और एक्स वाई। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्रॉम टू ज्यादा सही रहेगा। आप डायरेक्टली बेस पॉइंट को पिक करके आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास रोटेट हो जाएगा। आप किसी भी एंटिटी को रोटेट करना चाहते हैं, लाइक इस एंटिटी को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा ये देखिए, इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और कितने डिग्री पे रोटेट करना है मुझे, 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्केल। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, जैसे आप ऑटोकैड में भी यूज करते हैं, तो आप उसे स्केल भी कर सकते हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्केल अबाउट, किसके अबाउट करना है मुझे, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट करना है। और कितना स्केल फैक्टर देना है मुझे, मान लीजिए मैं 3 स्केल फैक्टर दे रहा हूँ इसका, तो ये 3 times इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस डायमेंशन थी उसका 3 times मल्टीपल हो जाएगा और मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से स्केल भी आप यूज कर सकते हैं। सो इसके साथ ही अगर आपने स्ट्रेच यूज करना है तो आपने एंटिटीज टू स्ट्रेच, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कहाँ से करना है स्ट्रेच, मुझे यहाँ से स्ट्रेच करना है, तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपके पास ये सारी कमांड्स यूज होंगी। और इसके साथ फ्रेंड्स, अभी ये वाली जो कमांड्स हैं ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। हम आज स्केचिंग टूल्स को प्रॉपर देख लेते हैं, कौन कौन से स्केचिंग टूल्स होते हैं। तो ये तो थे मेरे रिबन के अंदर जो भी स्केचिंग टूल्स थे। अगर मेरे को इसके अलावा भी स्केचिंग टूल्स चाहिए तो मैं टूल पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, स्केच एंटिटीज आ रही हैं, देखिए काफी सारी टूल्स आ रहे हैं आपके पास। तो जो भी आपके पास रिबन में अवेलेबल थे वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है स्केचिंग टूल्स।
जो भी आपने रिबन में चेक किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। देखिए कन्वर्ट एंटिटीज मैंने आपको बताया था, बाद में करेंगे। इसके बाद मेक पाथ, ये भी हम बाद में करेंगे। और जॉग लाइन है, इसमें एक जॉग लाइन क्या चीज है, अगर ये स्केच है मेरे पास तो इसको अगर मेरे को जॉग में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप जॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डायमेंशंस चेंज करना चाहते हैं, डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसकी डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अगेन टूल्स, और उसके बाद आपके पास आया स्केचिंग टूल्स में काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास। मैक्सिमम चीजें इसमें मैंने आपको करवा ही दी हैं। जो कुछ चीजें हैं जैसे मेक पाथ हो गया, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री मैंने आपको करवा दी है, जॉग भी करवा दिया आपको मैंने, स्प्लिट एंटिटीज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, किस तरह से स्प्लिट एंटिटी करते हैं हम। लाइक मान लीजिए ये आपके पास सर्कल आ रहा है तो मुझे इसे स्प्लिट करना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। तो इस टूल को भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बड़ा यूजफुल टूल रहेगा, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये आपको रिबन में नहीं मिलेगा, आपको यहीं से चूज करना पड़ेगा। ओके, सो इसके साथ आता है आपके पास स्केच सेटिंग्स, ये भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आपके पास आता है ब्लॉक, अगर आप किसी पार्ट को ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप ब्लॉक भी बना सकते हैं। लाइक मेक अ ब्लॉक, किसको ब्लॉक बनाना चाहते हैं आप, इसको ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ओके कर दीजिए, ब्लॉक यहीं पे आपके पास आ जाएगा, अवेलेबल रहेगा। और अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो ब्लॉक इंसर्ट कीजिए, आपके पास जो भी ब्लॉक होगा वो यहीं पे आ जाएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ आपके पास और क्या है, ब्लॉक को आप सेव भी कर सकते हैं और उसे बार बार इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे डेस्कटॉप पे इम्पोर्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये भी ऑप्शंस आ जाएंगी। और इसमें क्या चीज है आपके पास, देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केच को क्लोज कर दिया है। अभी मैं अगर कुछ बनाना चाहूँ इसमें, देखिए स्केच, स्केच में आपके पास अगर लाइन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे पूछ रहे ए प्लेन ऑन विच क्रिएट स्केच फॉर द एंटिटी। मेरे पास कोई प्लेन ही नहीं है, अभी मैंने स्केच को ऑफ कर दिया। तो अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे एडिट स्केच कर सकते हैं, तो आपके पास अगेन ये ब्लू हो जाएगा। अगर स्केच ऑन है तो उसकी पहचान क्या है, यहाँ तो आपके पास स्केच ब्लू होगा जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंडर डिफाइंड, मतलब जब भी आपके पास स्केच ब्लू होगा तो वो अंडर डिफाइंड ही दिखाई देगा, और अगर आपके पास ब्लैक स्केच होगा तो वो डिफाइंड दिखाई देगा। तो मैं आपको फुली डिफाइंड स्केच भी दिखा देता हूँ किस तरह से फुली डिफाइंड स्केच होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सभी को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास स्क्रीन क्लियर हो गई है, सो नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है यहाँ पे, मैंने इसकी डायमेंशन ली, ये देखिए मैंने इसकी डायमेंशन ली 500, और यहाँ से भी मैंने डायमेंशन पिक की है इसकी 500 अगेन, और इसको भी मैं इक्वल कर लूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा इन दोनों को, और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, तो ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बट अभी भी देखिए स्केच क्या है, मेरे पास अंडर डिफाइंड है, तो ये अंडर डिफाइंड अभी क्यों आ रहा है, मैंने अभी डायमेंशन तो सारी डिफाइन कर दी है, ये भी डायमेंशन मेरे पास आ चुकी है क्योंकि मैंने इसमें रिलेशन एड किया हुआ है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या दिखा रहा है, मेक डायमेंशन ड्रिवन, ये ओवर ड्रिवन दिखा रहा है मुझे, बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी कंस्ट्रेंट कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अंडर डिफाइंड आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसे डिफाइंड करूंगा, बिकॉज मेरे को ओरिजिन से इसको डिफाइन भी करना है कि मेरी डायमेंशन कितनी आ रही है, ओरिजिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 ले लेता हूँ इसकी वैल्यू, और यहाँ से भी मैं इसकी 100 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से भी मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ, तो इसकी डायमेंशन यहाँ से भी 100 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी सारी की सारी ऑलमोस्ट डायमेंशन ले ली हैं, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, ये फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड का मतलब क्या है, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये भी कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, मतलब ये मेरा फिक्स हो चुका है, फुली डिफाइंड हो चुका है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप ना चाहो तो, ठीक है।
और अगर आपके पास ये अंडर डिफाइंड रहेगा तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रिलेशन ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं टेंजेंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो है ऑब्जेक्ट इसके साथ टेंजेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी डिफाइंड कर दूंगा तो ये भी फुली डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 261 आ रहा है, मैं यहाँ पे 100 वैल्यू दे देता हूँ इसकी, तो इस तरह से। और इसमें रिलेशन क्या ऐड कर सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा अगेन फुली डिफाइंड हो गया। तो जब भी आपके पास स्केच ब्लैक आ रहा है इट मीन्स फुली डिफाइंड, तो आपकी जो जो भी आप स्केच बना रहे हो हमेशा फुली डिफाइंड होना चाहिए आपका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए। और छोटे मोटे स्केचेस में आपका अंडर डिफाइंड भी चल जाएगा, बट जब आप बड़ा स्केच बना रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स फिगर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पे आपको स्केच जो है हमेशा फुली डिफाइंड ही चाहिए। ओके, सो ये आपकी टिप थी आज के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल भी यहीं पे ओवर होता है। मैंने स्केचिंग टूल्स आपको ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, इन द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हर एक वीडियो के एंड में इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ताकि आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकें। सो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इज वी मेक ब्लॉक्स इन सॉलिड वर्क्स? यस। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हम सॉलिड वर्क्स में ब्लॉक्स बना सकते हैं, अगर आप ऑटोकैड यूज करते हैं तो आपको पता है कि हम ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सॉलिड वर्क्स यूज कर रहे हैं तो मे बी काफी सारे यूजर्स को शायद ना पता हो कि हम ब्लॉक्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या कहीं उन्होंने यूज भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप इसको यूज करके बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे ये क्वेश्चन, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, वी कैन मेक एंड इंसर्ट द न्यू ब्लॉक्स। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैन वी हैव मोर स्केचिंग टूल्स देन शोइंग ऑन द रिबन? मतलब कि हमारे पास जो रिबन में स्केचिंग टूल्स शो हो रहे हैं उसके अलावा भी क्या हमारे पास स्केचिंग टूल्स हैं? यस, थ्रू टूल सिलेक्शन फ्रॉम मेन्यू बार यू कैन एक्सेस मोर स्केचिंग टूल्स, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, टूल से हम मोर ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्प्लिट एंटिटी बताया था आपको, जॉब की ऑप्शन बताई, मेक पाथ हम बाद में करेंगे, और इसके बाद आपको मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स भी बताया, इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं, मेक कैसे कर सकते हैं, उसे एडिट करना चाहते हो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन स्केच इज नॉट फुली डिफाइंड? क्या होता है जब स्केच आपका फुली डिफाइंड नहीं होता? तो इसका आंसर आपने देना फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको या तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूछूंगा, या फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है इसका आंसर। ओके ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।